हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी को समृद्धि कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं मसाला चाप बना रही हूँ। 500 ग्राम चाप ली हूँ। इसे थोड़ी सी गर्म पानी में बॉईल करके रख ली हूँ। लहसुन, मिर्च, अदरक, 2 प्याज, 2 टमाटर, इसे मैं अब चॉप कर लेती हूँ। चाप को इस साइज में, बड़े बड़े साइज में करना है। इसी तरीके से सारे चॉप करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब इसमें मैं 1 चम्मच बेसन डाल रही हूँ, थोड़ी सी आधी छोटी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च जीरा पाउडर और 1 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ। ऐसे अच्छे से मिक्स कर देना है। अब मैं प्याज और टमाटर को भी चॉप करके दिखा रही हूँ। इसे मैं ग्रेवी बनाऊँगी, तो पतले पतले साइज में कर लेती हूँ दोनों प्याज को। टमाटर को भी उसी तरीके से पतले पतले साइज में ही काट लूँगी। अब मैं पेस्ट बना लेती हूँ। ये टमाटर का पेस्ट बन चुका और इधर प्याज, मिर्च, अदरक, लहसुन, ये सारे। अब चलिए मैं फ्राई करती हूँ चाप को। चाप को हमें डीप फ्राई करना है। थोड़े देर तक इसे छोड़ दें, जल्दी ना पलटे, नहीं तो चिपकने लगती है। ये देखिए, एकदम खिला खिला चाप होने लगा। इस तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक हमें चाप को फ्राई कर लेना है, ताकि कच्चा ना रह जाए। इसी तरीके से बची हुई चाप को भी फ्राई कर लेती हूँ। अब चाप मेरी फ्राई हो चुकी है। अब एक कढ़ाई में मैं थोड़ी सी ऑयल डाली, इसमें साबुत गरम मसाले, 1 तेज़पत्ता, 1 लाल मिर्च, 1 पिंच हींग, ऐसे चला करके जब ये चटक जाए तो इसी में मैं प्याज को ऐड कर देती हूँ। 1 छोटी प्याज मैं चॉप कर ली थी। अब प्याज मेरी देखिए फ्राई हो चुकी है। इसमें मैं पेस्ट जो बनाई थी वो डाल दी। इसी में मैं 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च और जीरा पाउडर, ये सारे चीज़ों को मैं अब थोड़ी सी भून लेती हूँ। मैं नमक ऐड कर दी 1 चम्मच। अब टमाटर का पेस्ट में डाल दी, मसाले भून गए तो, और इसे अच्छे से भून लेती हूँ। इसमें मैं 2 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ, 1 छोटी चम्मच। दही डाल करके हमें चलाते ही रहना है, छोड़ना नहीं है, नहीं तो दही फटे फटे से दिखने लगते हैं। ये देखिए इस तरीके से अब दही मेरी भून गई है, तो इसमें मैं थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डाली,
और पानी ऐड कर दी हूँ। इसी में मैं चाप को डाल करके, पानी हमें ज़्यादा डालना है, इसे मैं 15 मिनट तक धीरे धीरे लो फ्लेम पे पकाऊंगी। अब इसे कवर कर देती हूँ। बहुत ही टेस्टी चाप बनता है चिकन की तरह। ये देखिए हमारे चाप तैयार हो गए। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा। और आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जितना अच्छा देखने में लग रहा है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा खाने में लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।